आम आदमी पार्टी के द्वारा हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बिजली मीटर किराया पर सर्विस चार्जेस खत्म करने के लिए मांग की गई। उनका कहना है कि मीटर किराया बरसों से उपभोक्ताओं से लिए जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के द्वारा हमीरपुर उपायुक्त हरिकेश मीणा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बिजली मीटर किराया वो सर्विस चार्जेस खत्म करने के लिए मांग की गई है। उन्होंने मांग की है कि मीटर किराया बरसों से उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। यदि बिजली विभाग द्वारा मीटर 50 साल पहले भी लगाया जा रहा है, तब भी सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। सर्विस चार्ज के नाम पर हर माह उपभोक्ताओं से पैसा लिया जा रहा है। बिजली विभाग मीटर तक बिजली का यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता पैसा दे रहा है, तो सर्विस के नाम पर अंधी लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यूनिट का स्लैब बनाया गया है, लेकिन कुछ यूनिट का स्लैब अलग है तो कुछ यूनिट का अधिक है। हर माह बिजली बिल न मिलने के कारण यूनिट ज्यादा हो जाते हैं, तो अधिक यूनिट ही पैसा उपभोक्ताओं को डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही और लेटदीफी का खामियाजा राज्य के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया है कि इन विषयों में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी का निदान हो सके। के अंदर सभी जिला मुख्यालयों में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रही है। ये ज्ञापन जो है, ये बिजली मीटर का जो रेंट है और सर्विस चार्ज है, हमारी मांग है कि उसको ख़त्म किया जाए। कई सालों से बिजली विभाग जो है वो मीटर रेंट ले रहा है, जबकि मीटर की सिक्योरिटी दी होती है वो डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। 2500-3000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं और उसी टाइम सर्विस बायर के सारे खर्चे लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सर्विस चार्ज जो है वो उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। और बिजली का जो बिल है वो भी हर महीना ना दे के दो दो महीने के बाद देते हैं, जिससे जो उसके स्लैब हैं, सब्सिडी के जो स्लैब हैं, वो चेंज हो जाते हैं और उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। तो हमारी ये मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि वो शीघ्र इस मीटर रेंट को और सर्विस चार्ज को ख़त्म करने के निर्देश दें। और जिस तरह दिल्ली में लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है, हम ये मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली उपभोक्ताओं को दी जाए। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।